हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम आए हैं कुछ गेमिंग और रिलेटेड न्यूज को आप सबके कानों में धीरे से फूंकने। मैंने काफी लेटेस्ट न्यूज एकत्र करने की कोशिश की है, अगले बार से यही सिलसिला जारी रखने की कोशिश भी करेंगे। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू एंड न्यूज अपडेट। सो हमारे संवाददाता चिंटू त्रिपाठी के अनुसार एप्पल कंपनी ने हवा में ये न्यूज बहाया है कि वो भी जल्द ही एक नए गेमिंग कंसोल के साथ आ सकता है बाजार में। सो मेरे से शायद 1 लाख में एक कंसोल मिलेगा। अगर रिमोट भी चाहिए तो उसका अलग एंड रिमोट का बटन्स भी चाहिए तो उसके लिए अलग पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ सकता है। टोटल अगर पसंद आया तो आपको अपने किडनी से मुंह रखना छोड़ देना चाहिए आज से ही। सुनने में ये भी आया है कि ये प्रोजेक्ट एक्सबॉक्स के फॉर्मर इंजीनियर्स लीड करेंगे। वैसे ये पहला कंसोल नहीं है एप्पल का, इससे पहले भी एप्पल ने अपना एक कंसोल बनाया था 1996 में विद नेम पिपिन। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। दूसरा न्यूज फ्रॉम EA आ रहा है कि शायद वो बैटलफील्ड 2042 का पोर्टल मोड फ्री टू प्ले कर देंगे फॉर ऑल प्लेयर्स, क्योंकि गेम बहुत ही ज्यादा बगी है एंड फिलहाल तो इसको थोड़ा स्टेबल बनाना बहुत जरूरी है, बट ये इतना आसान नहीं है। जब तक होगा तब तक बैटलफील्ड के लोगों के बीच सुलह हो जाएगा एंड वहाँ साफ सफाई करने वाले कर्मचारी भी मैदान छोड़ के जा चुके होंगे। सो इसके लिए इन्होंने इसको फ्री करने का फैसला किया है। वैसे इसके पीछे एक और रीजन भी है कि पबजी जब से फ्री हुआ है तब से सुनने में आया है कि वो अप्रोक्स 486% न्यू प्लेयर्स को ज्वाइन करा चुका है एंड कंसोल में ये अप्रोक्स 400% इंक्रीज देखा गया है एंड यही लालच में हो सकता है अपना डाइस वाले ने भी आगे हाथ बढ़ाया है। तीसरा न्यूज इज क्राइटेक वालों ने डिक्लेयर किया है कि उनका नया क्राइसिस 4 इज इन डेवलपमेंट। अब शायद जल्द ही आपको 4090 के साथ आने वाले नए सिस्टम का जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि भाई क्राइसिस 3 विद फुल टेक्सचर 4K में नए रिग्स को भी रोला देता है। सो क्राइसिस 4 का तो क्या ही कहना, सांस लेना भी दूभर कर देगा आपके सिस्टम को। ये न्यूज क्राइटेक वालों ने ट्विटर में अनाउंस किया है एंड वहां उन्होंने इसका टीजर भी डाला है नए गेम का। कमेंट बिलो अगर आप क्राइसिस के फैन मेंबर हैं तो। फोर्थ न्यूज हमारे सबसे बड़े देवता समान गेम्स को फ्री में प्रसाद स्वरूप हमें थर्सडे को उसके मंदिर के आगे बांटने वाले एपिक गेम्स की तरफ से है। खबरी बिरजू ने यह कंफर्म किया है कि वो लोग 2022 में भी हम गरीबों को गेम बांटने वाले महापुण्य का कार्य कंटिन्यू रखेंगे एंड आपको फ्री गेम्स की आदत लगाने तक वो छोड़ेंगे नहीं। सो जी लो अपनी जिंदगी जब तक एपिक वालों का सनक नहीं जाता दिमाग। बस यही मौका है नया लैपटॉप खरीद लेने का, लैपटॉप खरीद लो बस एंड मजे करो लाइफ के। फिफ्थ बड़ा न्यूज फ्रॉम GTA कि शायद GTA 5 ऑनलाइन, जो कि मे बी 2022 के बाद ईयर में लॉन्च होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर PS5 एंड Xbox सीरीज विद नेम एक्सपांडेड एंड इनहेंस्ड, ये शायद GTA ऑनलाइन में एक नया मैप लेके आ सकता है। ये GTA का अंदरूनी खबर लीक करने वाले सबसे बड़े फूकू के तरफ से आया है। इसका नाम कुछ कुछ 9895 है, नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है बट ये फूकू है कुल मिलाकर के। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। वैसे GTA का न्यूज बहुत फेलवर होता है सो इसका क्या चांस है वो तो आने पर ही कंफर्म हो पाएगा। सिक्स्थ न्यूज, अगर आप में से किसी ने गलती से यूबीसॉफ्ट का बैटल रॉयल हाइपर स्केप के बारे में सुना होगा या फिर खेला होगा तो पहले काम ये करो कि कमेंट में कंफर्म करो। दूसरी बात ये कि उसको अब इंस्टॉल करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि ऐसा खबर सुनने में आया है कि वो इस ईयर अप्रैल में पूरी तरह से डूब जाएगा। मतलब यूबीसॉफ्ट वालों ने ये कंफर्म किया है कि अब ये उसको अपने सर्वर से निकाल बाहर करने वाले हैं। कम से कम कुछ तो काम आ जाए, नए गेम्स को ही सर्वर में डाल पाए, इतना खर्चा करके सर्वर जो बनवाया है। नेक्स्ट एंड आखिरी न्यूज एपेक्स लेजेंड की तरफ से, उसमें एक नया कैरेक्टर सीधा पतंजलि एंड नेस्ले के घोंसले से निकल के आ रहा है जिसका नाम है मैड मैगी। थोड़ा टैंगी भी होना चाहिए था, लाइक मैड टैंगी मैगी, नाम कम व्यंजन ज्यादा लगता है। एनीवेज, सो मैड मैगी अपने आगमन के साथ ओलंपस मैप में भी कुछ बड़ा कांड करके आने वाला है ऐसा सुनने में आया है एंड संभावना है कि वो फ्लोटिंग आइलैंड ओलंपस को अब वो फ्लोटिंग लायक नहीं छोड़ेगा, वो जल्द ही नीचे गिरा करके ही मानने वाला है। अब ये तो मंडे तक आपको पता चल जाएगा। थैंक्स टू हमारे स्पेशल संवाददाता रॉकी भाई फॉर दिस अपडेट। सो ये था न्यूज फॉर व्यूज का पहला भाग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।